तो हेलो एंड वेलकम है दोस्तों। भाई साहब 12th of January 2024 की 12 जनवरी ये बहुत ही मेमोरेबल रहने वाली है, क्योंकि भाई साहब इंडियन सिनेमा में इस दिन आज इतनी गुत्थम गुत्था देखने को मिल रही है, और सिर्फ साउथ में। भाई मैं बड़ी की तू बड़ी ये वाली रेस चल रही है, नो कोऑपरेशन, कुछ भी नहीं चल रहा। भाई गंतूर कारम मूवी आज रिलीज हुई, हनुमान मूवी आज रिलीज हुई, सुपर हीरो के बेस पर जो बनाई गई है, देन कैप्टन मिलर वो भी आज रिलीज हुई। अब तो भाई तबाही चल रही है, लेकिन उसी बीच में इस साल की मोस्ट मच अवेटेड ब्लॉकबस्टर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, जो डिस्टोपियन एरा को फॉलो करते नजर आ रहे हैं, भाई नाग अश्विन जिसके डायरेक्टर हैं, मेकर्स ने भाई न्यू रिलीज डेट अनाउंस कर दी है कल की 2898, जिसका एक जबरदस्त टैगलाइन के साथ उन्होंने स्टार्ट किया है, द स्टोरी दैट एंडेड 6000 ईयर्स अगो। तो भाई क्या है नई डेट और क्या टीजर कब आ सकता है। दूसरा, ये अभी तक सुनने में आ रहा था कि मूवी पोस्टपोन हो जाएगी, मूवी में कास्ट क्या होने वाली है, और जो ये नई डेट रिलीज करी है इसके टाइम पर क्या कोई और मूवी भी सामने है या नहीं है, क्या प्रभास को फिर क्लैश का हालचाल झेलना पड़ेगा नहीं झेलना पड़ेगा, सभी चीज़ों पर एक एक करके बात करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भाई साहब सपोर्ट जरूरी है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हम आपको टाइम टू टाइम देते रहते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं, न्यू पोस्टर के साथ रिलीज करा है नाग अश्विन जिसके डायरेक्टर हैं, और पोस्टर बहुत ही दमदार फाड़ धमाकेदार ब्लॉकबस्टर निकाला है, जिसमें न्यू रिलीज डेट इन्होंने दे दी है 9th of May 2024 को ये मूवी रिलीज हो जाएगी। कौन सी, कल की 2898, जिसका थीम क्या है भाई साहब, मॉडर्न जमाने का अपना विष्णु का न्यू अवतार, जो कल्कि के बारे में हम बहुत से पुरानी किताबों में जिसका जिक्र हो रखा है, वही कलयुग का कल्कि ये हमारे न्यू अवतार में आने वाले हैं, जिसका भाई टैगलाइन बड़ी दमदार निकाली कि द स्टोरी दैट एंडेड 6000 ईयर को, मतलब जो 6 साल पहले कहानी खत्म हो चुकी थी वो कंटिन्यू होने वाली है कब, 9th of May 2024 को। यस, जब मूवी रिलीज होगी 9th of May को तभी पता चलेगा कि भाई साहब क्या खत्म हुआ था और क्या स्टार्ट हो चुका है। न्यू पोस्टर निकाल रखा है, दमदार पोस्टर है, पीछे उसके बिल्कुल उल्टा पिरामिड इजिप्ट से रिलेटेड है थोड़ा थोड़ा, जो अभी तक भाई देख के समझ में आ रहा है, जो पोस्टर है प्रभास के पीछे उल्टा पिरामिड टाइप एक शिप टाइप की देखने को मिल रही है। साइड में पोस्टर के साइड में अगर यहाँ देखोगे तो ओल्ड इजिप्शियन जो सिटीज का फॉर्मेशन होता था वैसा ही ढांचा वहाँ पर भी देखने को मिलना है, तो वहाँ से कुछ मिलता जुलता है, जो भाई डिस्टोपियन एरा को एक बार के लिए बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा है। और डिस्टोपियन एरा में मैं फिर कहूँगा, जो गणपत मूवी आई थी भाई उसने जो पागलपंती मचाई है वैसा कुछ ना हो इसमें, और अच्छा ही देखने को मिले। नाग अश्विन इसमें डायरेक्टर हैं, भाई बहुत से ऐसे कंटेंट के लिए जाने जाते हैं जो दमदार तरीके से निकालते हैं। उम्मीद है कि अच्छा डायरेक्शन हो, अच्छा विजन हो, जिस हिसाब का विजन हो, उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका प्लॉटिंग जो भी हो दमदार हो। बात करें मेन कास्ट की, जो अभी तक रिवील आउट कर दी गई, वैसा अमिताभ बच्चन भी देखने को मिलेंगे, देन कमल हसन देखने को मिलेंगे, प्रभास अपने मेन लीड पर हैं, दीपिका पादुकोण सेकंड मेन लीड एक्ट्रेस वो देखने को मिलने वाली है। तो भाई कास्ट तो बहुत ही दमदार है, मसाला कितना मिलेगा उसके लिए एक्साइटमेंट है, और वो एक्साइटमेंट कब हमारा फूटेगा, यानी एक्साइटमेंट की पहली EMI कब भरती नजर आ रही है, भाई संक्रांति पे ये टीजर आउट करने की सोच रहे हैं। मतलब फर्स्ट लुक तो इन्होंने निकाल दिया था, फर्स्ट टीजर अपना मूवी से रिलेटेड भाई संक्रांति, मतलब 15 जनवरी के आसपास, यानी परसों या नरसों में ये लोग टीजर फोड़ने वाले हैं, 15 जनवरी या फिर 16 जनवरी के आसपास, और यही चीज़ मेकर्स की तरफ से रिवील आउट होते नजर आ रही है। हो सकता है बाद में हो, लेकिन भाई साहब मोस्ट ऑफ जो उम्मीद लगाई जा रही है कि भाई टीजर कब आ सकता है, 15 या 16 जनवरी के आसपास, तो वेट करते हैं, क्योंकि भाई पोस्टर बहुत धांसू निकाला है और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुका है। और टीजर को भी सर्टिफिकेशन मिल गया है, UK सर्टिफिकेट से इसे नवाज दिया गया है, और टीजर की लेंथ भाई साहब एक और चीज़ सुपर डुपर देना चाहता हूँ कि टीजर की लेंथ 1 मिनट 23 सेकेंड के आसपास होने वाली है। तो 1 मिनट 23 सेकेंड में मूवी में क्या मिलने वाला है वो तो आइडिया लग जाएगा कि भाई साहब ये मूवी डिस्टोपियन एरा में, यानी अपनी इंडियन सिनेमा की पहली मूवी होगी, गणपत को नहीं काउंट करेंगे हटाओ, पहली मूवी होगी डिस्टोपियन एरा को, कितना ये लोग दिखा के निखार के सामने ला सकते हैं, कितना एक्साइटमेंट है भाई साहब टीजर के लिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।